हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय नेक्स्ट व्लॉग। तो आज हम आ चुके हैं आगरा और हम आपको लेकर चलते हैं आगरे के ताजमहल पर। तो आइए, ये हमारे साथ हैं सर। यहाँ पर आएंगे तो आपको खाने के लिए ये सब चीज़ें मिल जाएंगी जो कि आप देख सकते हैं। जब भी ताजमहल की बात आती है तो हमें यहाँ बहुत सारे पर्यटक देखने को मिलते हैं। क्या कह रहे शर्मा जी, ताजमहल की बात आती है तो कभी कभी इसके साथ लोग अपना तेजो महल के भी नाम लेते हैं और बहुत सारे पर्यटक यहाँ आते हैं। तो आइए अपन देखते हैं यहाँ की क्या संस्कृति है, क्या खूबसूरती है, इसके बारे में अपन जानेंगे आगे। आइए, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको चश्मा वगैरह या फिर जूते वगैरह सैंडल वगैरह भी मिल जाएंगे। दोस्तों, जैसे ही आप ताजमहल के पास आएंगे तो आपको इधर देख सकते हैं, आप ताजमहल जाने के लिए रास्ता बना हुआ है, उसी के साइड में आपको रेस्टोरेंट मिल जाएगा एक, और रेस्टोरेंट के जस्ट सामने ही सिद्धेश्वर महादेव जी का मंदिर बना हुआ है जिसे बसई घाट के नाम से जानते हैं। तो चलते हैं, पहले हम महादेव के दर्शन करेंगे, उसके बाद कहीं जाके ताजमहल में जाएंगे। यहाँ पर देखो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये खाने आलम बाग बना हुआ है, देख सकते हैं आप, और यहाँ पर उसके बारे में कुछ लिखा हुआ भी है जो कि आप अच्छे पढ़ सकते हैं। आइए इस गेट के अंदर चलते हैं। यहाँ पे बगीचा बना हुआ है जो कि आप देख सकते हैं। एक तो टाइम होगा, यह है मंदिर पर जाने के लिए छोटा सा गेट, यहाँ से हम जाएंगे मंदिर में एंटर करेंगे। उसका सबसे मंदिर जाते हैं, जैसे आप मंदिर के पास एंटर करेंगे तो आपको सबसे पहले एक पुलिस चेक पोस्ट देखने को मिल जाएगा। पुलिस चेक पोस्ट से होते हुए आप लेफ्ट साइड जाएंगे तो उधर ही आपको भोले बाबा का मंदिर मिल जाएगा, और सामने आप देख सकते हैं यहाँ यमुना जी बह रही हैं, ये देखिए। आइए चलते हैं भोले बाबा के मंदिर पर, यहाँ आपको पानी पीने के लिए व्यवस्था मिल जाएगी। राम 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 राम, बैठ के जूते उतार लो, आ रहे हैं दर्शन कर लो। आइए, हाँ तो यहाँ पर महंत बैठे हुए हैं, उनके मुँह से आपको कुछ सब सुनने को मिल जाएंगे, आप जो कि सुन सकते हैं। तख्त है, हाँ, एक ताजमहल में, दो लाल किले में और एक यहाँ है। बहुत प्राचीन मंदिर है, 1100 वर्ष पुराना है। यहाँ पे द्रोपा बाबा, मुल्ली बाबा, कुंजी बाबा, मस्तान बाबा, छिंगा बाबा, तोता बाबा बैठ के यहाँ सिद्धि कर चुके हैं इस तख्त पे। आप 5 मिनट बैठेंगे आपको महसूस हो जाएगा इस तरह मुंह करके बैठना। अंदर जाइए, पहले दर्शन कर आइए। बिल्कुल ठीक है ना, फिर देखिए ताजमहल में पानी कहाँ से जाता था, आप पहले दर्शन कर आइए फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक, बिल्कुल। आइए दोस्तों, तो आपको लेके चलते हैं प्राचीन सिद्धेश्वर महादेव मंदिर पर, और आपको भोले बाबा दर्शन कराएंगे और उनके बारे में महाराज जी कुछ बताएंगे, वो भी आपको बताएंगे चल के। आइए चलते हैं। आइए, आपको दर्शन कराएंगे भोले बाबा के। आप यहाँ देख सकते हैं यमुना मैया जी बैठी हुई हैं, आप दर्शन कीजिए यमुना माता के। ये देखिए सामने हमारे भोले बाबा बैठे हुए हैं, जिनके दर्शन अंदर चल के आपको कराएंगे। आइए आइए हमारे साथ अंदर आइए आप, ये देखिए यही है वो भोले बाबा जो ताजमहल के पास स्थित हैं, आप इन्हें दर्शन कीजिए। अरे भोले बाबा की आज की जय हो। और सामने विराजमान हमारे हनुमान जी, उनके भी आप दर्शन कर सकते हैं। ये मंदिर के चारों का परिसर है जो कि आप देख सकते हैं। अगर आप ताजमहल आना चाहते हैं तो सबसे पहले आप भोले बाबा दर्शन करने जरूर आइए, और यहाँ पर यमुना मैया बैठी हुई हैं, आप यमुना मैया के दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए परिसर, यहाँ देख सकते हैं आप कुछ कुआ जैसा बना हुआ है।
चलो दर्शन करने के बाद हम चलते हैं। तो मान जी के मुंह से आपको सुनवाएंगे कि यमुना जी का रहस्य क्या है और यहाँ भोले बाबा का रहस्य क्या है, सारी चीज़ें आपको महाराज जी बताएंगे। ये जो दो समाधि दिख रही हैं, दिखाओ इधर, इनके नीचे एक वो है गेट, ककैया ईंटों का पुराना बना हुआ, यमुना जी का पानी उसमें से आता था, ये पेड़ लगा हुआ अशोक का, ये तालाब है, यहाँ इकट्ठा होता था। और इसके नीचे से आइए, ये इसके नीचे पुल बना हुआ है। आइए आपको लेके चलते हैं और आपको दिखाएंगे महाराज जी कि कहाँ से यमुना जी निकली हुई हैं। ये पुल बना हुआ है पूरा, ये यमुना जी का पानी यहाँ आके एकत्रित होता था इस नहर में। आप देख सकते हैं जो ये नहर बनी हुई है, यहाँ पर यमुना जी का पानी एकत्रित होता था। इससे इतनी ही गहरी और है नीचे, अब यहाँ से पैर के द्वारा ये ऊपर जाता था पानी, ये ऊपर है, ये नाली है, यहाँ से यूँ होके यूँ सामने वो गेट दिख रहा है, गेट के ऊपर टैंक है। आज भी ताजमहल के फुहारे बगैर मशीन के चलते हैं। अच्छा, कोई सिस्टम नहीं है मशीन का, वही पानी आता है उसी से चलते हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम उसी जमाने का। तो ये महाराज जी ऊपर पानी जाता कैसे था? यही तो सोचने वाली बात है, कैसे जाता था? पैर चलती थी यहाँ पे। अच्छा अच्छा, पैर जानते हैं, बैल खींचते थे पहले, पर इसका सिस्टम दूसरा था। यहाँ से पानी ऊपर ले आना, ऊपर नाली बनी हुई है, अगर आप चाहोगे तो वहाँ से चढ़कर ऊपर भी जा सकते हैं इसके, वहाँ से वो टैंक के सामने गेट के ऊपर, और गेट के ऊपर से सीधा डायरेक्ट ताजमहल में जाता पानी। ये रस है क्योंकि आप देख सकते हैं, मान जी ने भी बताया है। इसके बाद आपको लेकर चलेंगे ताजमहल में और वहाँ भी दिखाएंगे आपको कि मान जी ने जो बताया है वो पानी आकर आ कहाँ से रहा है। ये करीब 1100 साल पुराने शिव जी का मंदिर है, यहाँ पर सिद्धेश्वर महादेव के नाम से जिन्हें जाना जाता है। ये इसकी सफाई के लिए इसमें सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, नीचे उतर जाते हैं। अच्छा, महाराज जी बता रहे हैं कि इसकी सफाई के लिए इसमें सीढ़ियाँ भी लगी हुई हैं, जिससे आप इसके अंदर भी जा सकते हैं और अंदर जाके आप सफाई कर सकते हैं। ये यमुना जी का मंदिर है, ये सामने आप देख सकते हैं यमुना जी का मंदिर बना हुआ है। 1994 को वृंदावन से तैर के आई थी इस अखाड़े की टीम, यमुना जी को नाव में रख के लाए थे, बाकी सब पानी में आए थे। वृंदावन टू आगरा 120 किलोमीटर 3 डेज 28 आवर्स में यहाँ तक आए हम, 120 किलोमीटर ताजमहल से वृंदावन केसी घाट। बिल्कुल जी, आगे सोच रहे हैं दिल्ली से आए, क्योंकि व्यवस्था नहीं बन पा रही है। कैलाश महादेव है सिकंदरा में, उनके पास ही बना, उसको बोलते हैं दर्रा खार, माँ आदमी जा तो सकता है, लौट के नहीं आता सकता। जी हाँ, ये यमुना जी, और आगे की भी सोच रहे हैं कि यहाँ पे और मूर्तियाँ लगें, ऐसी तैराकी करते हैं हम लोग। बिल्कुल, तैराकी का मेला लगता है भादों के महीने में, जो अपने अपने अखाड़े के झंडे लेके आते हैं उस्ताद लोग। हमारे अखाड़े का झंडा ऊपर लगा हुआ जी। तो महाराज जी आप यहाँ तैराकी भी सिखाते हैं? हाँ जी, तैराकी के लिए कोई फीस नहीं, निःशुल्क है, बस दूध ले आइए, बर्फी ले आइए, फूलमाला ले आइए, दीपक ले आइए, आपका भोग लग गया, दूध जमना नहीं चढ़ गया, उसी दिन से चालू। तो दोस्तों, महाराज जी बता रहे हैं कि आप किसी को भी अगर तैराकी सीखना है तो वो भी यहाँ पर आ सकता है और उसका कोई शुल्क नहीं लगेगा। सर, आप दूध लेके आइए और पेड़े लेके आइए और अपना जो है तैराकी का प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। मतलब ये है कि अगर आपने हाथ पैर चला दिए तो कब तक चलाएंगे, ये तो नदी है, जब हाथ पैर थक जाएंगे तो डूब जाएंगे, मगर हम जो तैराकी करते हैं उसमें हाथ पैर चलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जैसे कहते हैं शवासन, पद्मासन, गरुण आसन, जी प्राचीन सभ्यता है हमारे यहाँ खेल की, अगर आप चाहेंगे तो मैं अभी आपको करके भी दिखा दूंगा, है ना। ये पीपल बहुत बहुत पुराने, इनको करीब 250 वर्ष हो गए यहाँ पे। जैसा कि महाराज जी ने बताया कि जो पीपल का वृक्ष आपको देखने को दिख रहा है, जो कि आप देख सकते हैं, ये करीब 250 साल पुराना है। और आपको कुछ प्राचीन, आप देख सकते हैं कि यमुना जी का बहाव कितनी तेज है। मैया की जय, दरबार की जय, बोल माता भवानी की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। यमुना मैया में प्रवेश करते हुए महाराज जी जा रहे हैं यमुना मैया में प्रवेश करने के लिए, जो कि आप देख सकते हैं। यमुना मैया जय हो, यमुना मैया जय हो, यमुना मैया की। ओम
उनके साथ शिष्य हैं, उनके शिष्य भी उनके साथ जा रहे हैं। देख सकते हैं आप, दोनों के दोनों यमुना जी में कूद पड़े हैं। ये देखिए महाराज जी जलासन में, जलाशय में पद्मासन कर रहे हैं और अब महाराज जी ने किया है पद्मासन पानी में देखते हुए। पानी ये इलाहाबाद तक जा रही हैं यहाँ से। अच्छा महाराज, यमुना जी इलाहाबाद तक हैं। अच्छा जी, यमुनोत्री से इलाहाबाद, यमुनोत्री से लेके इलाहाबाद तक जाएंगे। यहाँ यहाँ पर जो है वो संगम में मिल जाएंगी, गंगा जी, यमुना जी और दूसरी सरस्वती जी वहाँ पर मिल जाएंगी। अब यही है, अगर सरकार या कोई संस्था हमारा सहयोग करती है जी, तो हम आगरा से इलाहाबाद तक जाना चाहते हैं। खुली हुई देखी हमने, देखा ओला है सब भैया, बीच में तो तरा है भैया, महादेव जी हाँ, और इधर से सिद्धि जाती है और एक उधर से भी सिद्धि जाती है, इधर से ऊपर से भी रास्ता की एक घीना टाइगर पहले वो बंद कर दिया हमारे सामने की बात है। ये तो कोई दो तीन अंग्रेज आते थे पहले, पुलचिनी आके यहाँ सुमेरु पर्वत है भगवान का, वहाँ सोने का पहाड़ है। जब ये पुलचिनी यहाँ के आदमी पहले अब नहीं आते हैं, अमेरिका से अगाड़ी है वो पुलचिनी वहाँ पर। ये भगवान ने नाम बताया सब, और उसमें परिक्रमा में हम जाते थे तो हम पहले पढ़ते थे, तो वो लीला वो होता है कागज, उसको बेलन पर कर देते थे, तो उसमें गणेश जी की मूर्तियाँ आती थी। इस परिक्रमा बंद कर दी है, पहले नीचे का खुला रहता था, अब वो नीचे का भी बंद कर दिया, ऊपर की परिक्रमा बंद कर दी। तेजो माला है ये सब जगह, ये बावड़ियाँ हैं, ये बावड़ी है, ये नीचे तक सिद्धि गई है इसकी, ये गुम्बद, ये बावड़ी है बहुत बड़ी, सिद्धि आए हम नीचे तक गए। पहले जाते थे कोई पूछने वाला नहीं था, लीडर की शूटिंग फैलाने दिखाने ये हमारे सामने, पहले ताजमहल की हुई, मतलब जीत गया पत्थरों की हुई, हमारी भी फोटो थी इसमें। अच्छा। लेकिन उसमें काट दी फोटो उसमें से, ये गुरु तैराकी है, ये सब तैरना जानते हैं, सब जने मेरों को बचा देते हैं, बाढ़ आती है तो तैरना जानते हैं सब। आटा डलता है रोज में 3-4-5 किलो, पहले ज़्यादा डलता था, पहले एक बोरी डलती थी बाजरे की, पहले 50 साल जब मुझे 50 साल हो गया, मैं पान का काम करता हूँ, बीजी घर पे आरफ उठते वहाँ पान लड़ी में मेरी पान की आरत है, वहाँ पे मंदिर भी बनवा दिया। पुरान सबसे पहले तो भुर्जी थी, भुर्जी थी हाँ, उससे पहले भुर्जी बसई गांव था कोई जमाने में, ये कोई जमाने में बसई गांव था, ये नहीं था ताजमहल जब उसको, तो इधर पल्ली पार जमुना जी रहती थी, कब्जा कर लिया जहाँ पे, ये राजा राजपूत बादल का किला है, राजा 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 राजपूत बादल का घोरा काला उसका है ये किला, अपन ने कब्जा कर लिया, जोधावाई से ब्याह कर लिया, इसलिए लैंड पलट गई, मुसलमानों का राज था उस वक्त, ऐसा हो गया भैया, अब योगी का राज आ गया है, बिल्कुल सही बात है, सबकी पोलें खुल रही हैं भैया, सबकी पोलें खुल रही हैं भैया। देखो इनकी और लो अभी तक जानकारी होते हैं, क्योंकि ये पुराने गाइड ये यहाँ पे गार्ड ताजमहल की सबसे ज्यादा जानकारी अगर हम में से किसी को है तो इनको है। आ जाओ मैं और उनके वो भी है प्रमाण होते हैं, वो भी है लिखा तो है, और मेरी फोटो ले गए मेरी, पहले नीचे आटा डालने की देखो आटा और बढ़िया साहब को प्रमाण आटा डाल रहा है, मछलियों को बेली का आटा डालता है नमिया में, सही बात आ रहा है कहां से आ रहा है।
हमें नहीं मालूम वो तो क्या तू कर, मैं दे रहा हूँ तुझे बदलता मछलियों करना वाला देखो और ये ऐसा है कि इसका अगर आपने जय चुपकेगा नहीं और एक दफा परांठा बना लिया इसका और बना कर रख दिया तो 3 दिन तक इसका कुछ नहीं होने वाला। और 100 गोलियां तोड़ता हूँ इसमें से श्री राम 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 बिल्कुल राजा राम पतित पावन सीता पति के पावन सीताराम 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 चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार बरनउ रघुवर बिमल जसुदाय परचार मोटहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार बल विद्या दे मोए रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय अंजनी नंदन हनुमते जय हो दोस्तों। तो हम आपको मिलवाते हैं जो कि ताजमहल के गार्ड भैया रह चुके हैं और ये आपको बताएंगे कि ताजमहल की पूरी विशेषता बताएंगे और ताजमहल में क्या क्या हिंदू धर्म का है उसके साथ शो प्रमाण भी बिल्कुल जानकारी देंगे आपको। आइए इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार राठौर और वी के बाबा बोलते हैं मेरे को सभी लोग। आप पहले तो ये समझिएगा अगर आप आगरा तेजो महल की स्टोरी जानना चाहते हैं तो सबसे पहले ये जानिएगा कि मुगल क्यों आगरा में आए, आगरा नाम क्यों पड़ा, इससे पहले क्या नाम था, क्या इसकी विशेषता थी, ये कोई नहीं जानना चाहता है। आगरा की विशेषता बहुत कुछ है। एक चीज़ और बता दूँ, आगरा जो है देख रहे ना किला वो आगरा है, ये ताजगंज है क्या और पूरे मैप के अलग है, ये गाँव लगता है, सिटी नहीं है ये जगह जो आप बैठे हुए ना, ठीक है ना। और अगर पहले तो आप ये जानिएगा कि मुगल क्यों आए। मुगल ये शहर को सिर्फ लूटने के लिए आए थे 1500 कुछ में, जो है सबसे पहले बाबर आया था। बाबर के जब उसमें पराजय होती है होने के बाद में जमुना से कूद के उस सामने जो है मेहताब बाग के पास में बाबरी मस्जिद है, उस मस्जिद में वो रहता है। ये मैं लेख की बात बता रहा हूँ, बाबरनामे में साफ लिखा हुआ है जो बाबर ने लिखा कि एक भव्य इमारत 4 फ्लोर की, मैंने उसको देखा। देखने के बाद जब धूल बजते थे चारों दिशा में जाते थे तो आवाज़ गूंजती हुई कुछ जाती घंटों की, उन्हें ढोल के जानी चाहिए, घंटे घड़ियाल की आवाज़ वापस आती थी लौट के नहीं, ठीक है। ताजमहल जो बना हुआ है, ताजमहल जिसे कहते हैं, यहाँ पर बाबू जी शिव मंदिर है। कैसे मंदिर है, आप शिव मंदिर गए होंगे, ठीक है ना, गए होंगे ना। हाँ, भोलेनाथ के बीच में जो है, बीच में भोलेनाथ, भोलेनाथ के बाद नंदी, कार्तिकेय, गणेश, उमा पार्वती, ठीक है ना। ताजमहल का मेन पिलो ऊपर का गुम्बद, गुम्बद के बराबर से 2 छोटे छोटे कम 5 एक ऊपर गुम्बद, ठीक है, गोल वाला सबसे बड़ा है कलश जो पूरा वाइट, ठीक है, वो नहीं कह रहा हूँ मैं। ताजमहल इमारत है, हम चलो नीचे से चलते हैं, हम ऊपर चढ़े, चढ़ने के बाद में चारों कोनों बड़ी बड़ी चार मीनार नज़र आती हैं, आती हैं नहीं आती, आती हैं, आती है ना, पक्का है ना। उसके बाद में एक ऊपर का गुम्बद मेन, चारों के बीच में जो ऊपर रखा हुआ है सबसे ऊँचा 5, ठीक है ना। उसके बाद बड़े गुम्बद के बराबर में 4 और, तो 5 समझ में आ रही है ना। हर तरह से तो आप देखोगे इमारत को तो 5 नज़र आते हैं। आज आप फ्रंट से देख लीजिएगा या इधर से देख लीजिए, उधर से सब तरफ से देखोगे ना, टोटल अंक जो इमारत के अंदर बोला गया है गुम्बद उनके 5 हो गए। अब टोटल मारो तो 9 बनते हैं, 5 और 5 ओ 4 और 4 8 और 1 9 बनते हैं ना। हाँ। वो 9 देवियों का स्वरूप, 9 देवियों का स्वरूप। ये इंसानों की जो सफ़ेद इमारत है वो इंसानों की बनाई हुई नहीं है, ना किसी जिन्नात ने बनाई है जी। क्या इतने वर्ष हो गए ताजमहल में 11 का अंकड़ा क्यों बताते हैं लोग, क्या भाई 11 है, इधर से देखो तो 11 नज़र आएंगे, इधर से देखोगे तो 11 नज़र आएंगे जी। कभी महसूस किया 11 दिखा कभी ताजमहल में आपने? नहीं देखा। नहीं, मैं दिखाता हूँ। आप जब ताजमहल से अंदर घुसेंगे मेन गेट से जी, मेन गेट से घुसोगे अंदर तो आप एक ऐसे अब फीलिंग और महसूस करोगे किसी और दुनिया में मैं आ गया हूँ। बहुत मतलब मन को एकदम शांति और सारी जो दिमागी टेंशन है सब कम हो जाती है, हो जाती है ना। तब ताजमहल को देखोगे इस साइड में 1 नज़र आएगा, उधर से 1 नज़र आएगा, 11 हो गए। पत्थरों पे भी 11 लिखे हुए हैं, 22 साल बताते 11 इधर और 11 इधर गुम्बद, उसको भी 22 साल बताते हैं। तब क्योंकि ताजमहल में 1000 ऐसे चिन्ह हैं जिसे कोई दुनिया की ताकत उगा नहीं सकती है कि ये हिंदू इमारत नहीं है, तेजो महल नहीं है। इसको लूटने के लिए बाबर ने जब अपनी किताब में लिखा कि कभी इसमें लूटा जाए तो इसमें एक मयूर सिंहासन हुआ करता था, हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, आज उसके भी निशान है उसमें बिल्डिंग में, वाइट वाइल्ड में, ठीक है ना। और उसके सबूत हैं, मिस्टर कुक की किताब है, अगर आप मिल सके तो आप उसे जरूर पढ़िएगा। आगे मैं कुछ नहीं बताना चाहता, जितनी जानकारी थी थोड़ी सी दीजिए आपको, लीजिएगा अपने समझ। जय हिंद, जय भारत, जय महाभारत, जय भारत।